नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। शहर का प्रतिष्ठित इलाके गुमटी नंबर 5 कौशलपुरी में हेल मोगेंबो द एडवेंचर प्लेस जोन शोरूम का भव्य उद्घाटन हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री माननीय स्वतंत्र देव ने फीता काटकर शोरूम का उद्घाटन किया। ये शोरूम शहर का अनोखा प्रतिष्ठान है, जहां बच्चों के खेलकूद एवं मनोरंजन से लेकर खाने पीने का सामान एक ही छत के नीचे मौजूद रहेगा। शोरूम के प्रोपराइटर योगेश गुप्ता ने बताया कि आधुनिक युग में बच्चे मोबाइल की ओर भाग रहे हैं, उनको एक ही मनोरंजन मोबाइल नजर आता है, इसलिए हमने थोड़ा हटकर बच्चों के मनोरंजन के लिए आधुनिक पद्धति के मनोरंजन से संबंधित इंस्ट्रूमेंट अपने शोरूम में लगवाए हैं, जिससे बच्चों का मन बहलेगा, साथ ही साथ ये मनोरंजन का भी काम करेगा। इस मौके पर गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र मैथानी सहित बीजेपी नेता सुरेश अवस्थी, महापौर प्रमिला पांडे एवं कानपुर के जाने माने प्रतिष्ठित लोग काफी संख्या में मौजूद रहे। देखिए, आज हमारे मित्र पार्टी के नेता योगेश गुप्ता जी ने एक अपने इस मॉल का ओपनिंग किया, जिसमें हम सबके बीच में जल शक्ति मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव जी ने आज इसका उद्घाटन किया। और जो जाकर ऊपर हम लोगों ने देखा है, उससे हम सब लोगों को ये प्रतीत हो रहा है कि बच्चों के लिए जो धीरे धीरे जो उनकी मनोरंजन की चीज़ें नहीं मिल रही थी, वो सारी मनोरंजन की चीज़ें इस हाल में योगेश जी ने अपनी टीम के साथ वहाँ पर दिया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से। मंत्री जी कानपुर में आप कार्यक्रम में उद्घाटन क्या कहना चाहते हैं, किस संदेश और विशेषता क्या है, नाम बता सकते? काम भी हमारा गेम जोन बनाया बच्चों के लिए, बहुत अच्छी गेम जोन है, सारी फैसिलिटीज है यहाँ पे, पूरा बच्चे जो आएंगे खेलेंगे भी, इंजॉय भी करेंगे। फूड कोर्ट भी बनाया है, मतलब सारी सुविधाएं बड़े को भी दिया है, ट्रैम्पलिंग है अपना, आए आदमी बच्चे, तो कानपुर में शायद सबसे बड़ा और सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है। मुझे जानकारी आपका दूसरी हमारी पहली ब्रांच है, दूसरी ब्रांच ये है, यहाँ पे हमारा बड़ों का बच्चों का सारी एक्टिविटी करते हुए और साथ ही साथ कैफेटेरिया एरिया रेस्टोरेंट सारा ही सब अरेंज कराया। और कानपुर नहीं, ये यूपी का ही सबसे बड़ा गेम जोन बनेगा। इस बार क्या कुछ नया लेकर आए? इस बार हम लोग बहुत सारी नई चीजें लाए, गेमिंग लाए हैं, बॉलिंग लाए हैं, क्रिकेट लाए हैं, ट्रम्पलिंग बहुत बड़े स्केल में लाए हैं, लेजर टैग लाए हैं, जो अपने कानपुर में लखनऊ में भी कहीं नहीं है। कहीं ना कहीं बच्चे फोन पे गेम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए कहते हैं फोन से ज्यादा अच्छा, फोन से ज्यादा अच्छा आएंगे, फिजिकली एक्टिविटी करेंगे। बच्चे और बच्चों के पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बच्चों और बच्चों के पेरेंट्स के लिए मैसेज ये है कि ज्यादा से ज्यादा मोबाइल ना चला करके फिजिकली आकर के एक्टिविटी एंजॉय करें, मजे लें। क्या रेट वगैरह, कुछ ऑफर वगैरह? रेट हमारा गेम 79 रुपीज से हमारा गेम स्टार्ट है, और हमारे यहाँ एक कार्ड सिस्टम है, वन टाइम कार्ड बनेगा, उसकी 6 मंथ की वैलिडिटी है, और उसको उसके बाद वो सारा प्ले होता रहेगा। क्या टाइमिंग रहेगी? टाइमिंग जैसे आप गेम खेलेंगे आधे घंटे मिनिमम, 1 घंटे जैसा आप गेम प्ले करते हैं। रेस्टोरेंट की भी आपने सुविधा रखी है? हाँ, रेस्टोरेंट भी है, बैंक्वेट हॉल है। क्या प्रोजेक्ट है जो आपको स्वाद में कानपुर में एक अलग पहचान देता है? जो हमने ले रखा है चिलम चाय की फ्रेंचाइजी ले रखी है, उसमें सारा ही फूड जोन रहेगा, सारा ही सब कुछ रहेगा, चाइनीज स्नैक्स सब कुछ रहेगा उसमें।